हाय दोस्तों, केरला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम अनियन पकौड़ा बनाएंगे। ये स्ट्रीट स्टाइल अनियन पकौड़ा है, बहुत टेस्टी एंड इजी रेसिपी है। अब चलिए देखेंगे ये कैसे बनाते हैं करके। ये चेन्नई स्टाइल का एक रेसिपी है और वहाँ के स्ट्रीट में ऐसे मिलते हैं। इसमें काजू वगैरह ऐड करते हैं तो इसलिए बहुत टेस्टी है। तो मैंने यहाँ पे अनियंस कट किए हैं छोटे छोटे स्लाइसेस में। फिर इसके लिए हमें चाहिए अदरक, वो भी छोटे पीसेस में कट करेंगे हम। अब हमें चाहिए हरी मिर्च। हरी मिर्च तो आपके स्पाइस के हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ऐसे कट करके उसमें लेंगे। फिर हमें चाहिए धनिया पत्ते, उसको भी छोटे पीसेस में कट करके अनियंस में डालेंगे। दो तीन लहसुन चाहिए, फिर उसको ऐसे स्मैश करके इसमें डालेंगे। अब एक हाथ भर कैश्यू डालेंगे, ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डालेंगे। फिर अब 4 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ मैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर भी डालना है। फिर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए है। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे, उसमें पानी नहीं ऐड करना है, बस ऐसे ही मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून तेल डालना है। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको अब फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे और उसमें कड़ी पत्ते डालेंगे, फ्लेवर के लिए है। उसके बाद हम ऐसे ये अनियंस को तेल में ऐसे डालेंगे और शेप नहीं देना है, बस पकौड़ा है तो इसलिए कुछ भी शेप में ऐसे डाल सकते हैं, पर बहुत बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, ऐसे छोटे पीसेस में ऐसे डालेंगे हम। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर रख के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ऐसे अच्छे से पक गया तो हम तेल में से निकालेंगे, वैसे ही बाकी का भी बनाएंगे हम। बस इतना ही। ये बहुत ईजी स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ा है, आप सब लोग ट्राई करके देख लीजिए। ये तो हम चाय के साथ खा सकते हैं, मैं तो यहाँ पे ब्लैक टी यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक टी के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये पकौड़ा। आप सब लोग घर पे ट्राई करके देख लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक्स भी कमेंट कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूले। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।